यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा है कि 5 साल पहले यूपी के गांवों में कच्चा बनियान और सरियाधारी डकैत घूमते थे, अब यूपी के गांव शहर सुरक्षित हैं, यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उद्योगपति यूपी में रोजगार देते हैं, पहले यूपी प्रश्न प्रदेश था, अब ये उत्तर प्रदेश बन गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यूपी को सुरक्षित बनाने, लोगों को रोजगार देने और बहन बेटियों समेत गाँवों को सुरक्षा देने का बीजेपी ने काम किया है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अकेले ही खेती नहीं कर रहे, बहन बेटियों के हाथ भी पीले कर रहे हैं। बीजेपी ने सभी वर्गों का काम किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा है कि यूपी में बीजेपी दमदार तरीके से चुनाव लड़ रही है। चुनाव की तैयारी पूरी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता सारा अपना काम कर रहा है और जनता भी चुनाव को अच्छे मन से लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल पहले गांव-गांव के अंदर कच्चा बनियान गिरोह के बदमाश आते थे, डकैती डालते थे, सरिया मार गिरोह आते थे, डकैतियां डालते थे। आज उत्तर प्रदेश के किसी गांव में भी डकैती की कहानी आपको सुनने को नहीं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश के गांव सुरक्षित हो चुके हैं, शहर सुरक्षित हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश की धरती को माफियाओं से, गुंडों से, अपराधियों से खाली करा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया और अपराधी अपनी जान की भीख मांगते हुए नजर आते हैं। आज समाज के अंदर इतना बदलाव हुआ है, कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है और बदलाव इतना हुआ है कि आज सज्जन और ईमानदार लोग सिर उठाकर चलते हैं और गुंडे और अपराधी लोग छुप छुपा कर चलते हैं। ऐसा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में चारों तरफ देखने में आता है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगपति आते हैं, उद्योग लगाते हैं और नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलता है, हजारों नौजवानों को, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये बदलाव हुआ है कि 4.5 लाख रोजगार इस सरकार ने दिए हैं, सरकारी प्लेटफार्म से सरकारी नौकरियां दी हैं। भाई भतीजावाद से मुक्त होकर, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर इस तरह का उत्तर प्रदेश आज सारी हिंदुस्तान के अंदर, समूचे हिंदुस्तान के अंदर एक ईमानदार, एक दमदार प्रदेश के रूप में खड़ा दिखाई देता है। पहले यह प्रश्न प्रदेश था, आज यह उत्तर देने वाला प्रदेश बन गया है। सर, देखा गया जिस तरह से चलोसी विधानसभा है, असमोली है, वहाँ पर अंदरूनी किसान लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग आप ही की पार्टी के विरोध करते हुए हैं, क्या वजह नहीं है जिस तरह से गुलाब देवी का लगातार विरोध हो रहा है और प्रत्याशियों का? देखिए, किसानों को हमारी सरकार ने जितना दिया है आज तक कोई दे नहीं पाया। किसान क्रेडिट कार्ड हमारी सरकार ने दिया था, आज किसान अपनी बहन बेटियों के, आज बहन बेटियों के हाथ पीले कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से खाली खेती में उपयोग नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया था। और दूसरा, किसानों को अभी भी किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में जाता है। एक घर में अगर 4 खाते हैं तो 24,000 रुपये जाता है, एक घर में 5 खाते हैं तो 30,000 रुपये प्रत्येक घर में जाता है। ऐसा काम हमारी सरकार किसानों के लिए कर रही है और हर वर्ग के लिए हमने काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया। रही बात विरोध की, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एक विचारधारा पर चलने वाला दल है, यहाँ विरोध बहुत ज़्यादा होता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जब 20 लोग टिकट मांगते हैं, एक को मिलता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी में टिकट मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हम एक जनाधार संपन्न राजनीतिक दल हैं। हमारे यहाँ जनाधार होने के कारण, हमारा जनाधार होने के कारण, केंद्र में हमारी सरकार होने के कारण, चारों तरफ हमारा संगठन का ढांचा और विस्तार होने के कारण टिकट मांगने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए थोड़ी सी मन कमज़ोर होता है, लेकिन हमारे सब कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं। सर, बीते दिन जो सर नाहिद हसन का जो सर एक विवादित बयान जो सर सामने आया, उन्होंने जाट समाज को लेकर के जो सर कुछ टिप्पणी की है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा मानना यह है किसी भी समाज को लेकर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपने विकास के और काम के आधार पर चुनाव लोगों को लड़ना चाहिए और जो गलत काम करेंगे वो निश्चित रूप से अंदर जाएंगे। इस सरकार का तो एजेंडा ही है, जो हिंदू हो या मुसलमान, इस सरकार का एजेंडा जान लीजिए, हिंदू हो या मुसलमान, जो करेगा गलत काम उसका होगा काम तमाम। हिंदू हो या मुसलमान, जो करेगा गलत काम उसका होगा काम तमाम, ये एजेंडा है हमारा। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में भरोसा रखते हैं। पिछले 5 वर्ष में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ।
हिंदू भी अपना व्यापार और कारोबार और मेहनत कर रहे हैं, मुसलमान भी अपना व्यापार कारोबार मेहनत कर रहे हैं। जब दंगा हिंदू मुस्लिम होता है तो गरीब लोग पिसते हैं, पिसते कि नहीं पिसते हैं। इसलिए आज हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, विकास युक्त प्रदेश बनाया है, एक संपन्न उत्तर प्रदेश हमारा बनता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आ रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा रहे हैं। और जब एक उद्योगपति 1,000 करोड़ रुपए लगाता है, एक इंडस्ट्री लगाता है, तो 1,000 नौजवानों के हाथों को रोजगार भी देता है। और रोजगार हमारे नौजवानों को केवल सरकारी प्लेटफार्म से नहीं मिल सकता, ये रोजगार प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगिकीकरण होने से ये रोजगार मिलेगा, जो लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट तभी किसी राज्य में आता है जब उसे 3 गारंटी मिल जाती हैं, 24 घंटे उसे बिजली चाहिए 1 गारंटी, उसे अपनी जान माल की हिफाजत चाहिए 2 गारंटी, और तीसरी अच्छी सड़कें, उसका माल ढुलान के लिए अच्छी सड़कें चाहिए 3 गारंटी किसी भी उद्योगपति को चाहिए। आज हमारी सरकार ने 3 गारंटी उसे दी हैं। पहले उद्योगपति से फिरौती, सपा की सरकार में पहले उद्योगपति से फिरौती वसूली जाती थी, उसका अपहरण करने की बातें होती थी, कोशिशें होती थी, और उसकी जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए उत्तर प्रदेश से उद्योग जा चुके थे। हमारी सरकार में 5 साल में